students, now we are going to study the regression discontinuity designs in quasi-experimental designs. Uh, regression discontinuity design, which is also referred as rdd, is invented in 1960 by thrustwright and campbell. rdd is an impact evaluation method used to evaluate programs that have a cutoff point determining who is eligible to participate. यानी डिज़ाइन तब यूज किया जाता है जिसमें हम जो है रिस्पोंडेंट्स की जो हमारा वेरिएबल है उसकी एक कट ऑफ पॉइंट वैल्यू निकाल सकते हो ये आर डी डी अलाउज रिसर्चर्स टू कंपेयर द पीपल इमीडिएटली अबव एंड बिलो द कट ऑफ पॉइंट टू आइडेंटिफाई द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोग्राम ऑन अ गिवन आउटकम इफ वी सी डायग्राम डिजाइन ऑफ रिग्रेशन डिसकंटीन्यूटी डिजाइन तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास दो ग्रुप्स होते हैं एक को हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं और दूसरे को हम ट्रीटमेंट ग्रुप कहते हैं इसमें जो हमारे पास वेरिएबल होता है उस वो एक कॉन्टीन्यूस इंडेक्स होता है एक ऐसा मायर होता है जिसकी हम जो है एक कॉन्टीन्यूस इंडेक्स वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं जैसे कि वो आपका जीपीए टेस्ट स्कोर हो सकता है वो पावर्टी स्कोर हो सकता है और वो एज हो सकती है और इसमें एक क्लियरली डिफाइंड कट ऑफ पॉइंट होता है जैसे कि हम एम और पी प्रोग्राम की बात करते हैं तो उसका जो रिक्वायरमेंट है वो थ्री जी है तो ये कट ऑफ पॉइंट है कि ओनली दोज कैन इनरोल इन द एम फिल एंड पी एच डी प्रोग्राम हुड मोर देन थ्री जी पी ए और थ्री जी पी ए तो इससे जो कम स्कोर करते हैं वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं करते इसकी अगर मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल दूँ जैसे पावर्टी इंडेक्स है आपने रिसेंटली देखा कि गवर्नमेंट जो है एहसास प्रोग्राम या जिसको बी बेनजर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी कहा जाता है उसमें जो है इनकम सपोर्ट दे रही है गरीब लोगों को तो उनकी डिटर्मिनेशन के लिए एक पावर्टी इंडेक्स डेवलप किया जाता है जिसमें वो लोग जो उस इंडेक्स से नीचे हैं तो उनको जो है आ, हम आ, जो है वो इनकम सपोर्ट ऑफर करते हैं आ, इसकी एजम्पन क्या होती है इसकी एजम्पन ये है कि आल पर्सन ऑन वन साइड ऑफ द कट ऑफ आर असाइन टू वन ग्रुप एंड आल पर्सन ऑन द अदर साइड ऑफ द कट ऑफ आर असाइन टू द अदर ग्रुप जैसे कि अगर ये कट ऑफ पॉइंट है आ, तो इसमें आपका जो एक ग्रुप है वो ए, एक साइड पे आ, जो है जो कि लोअर वैल्यू है वो आपका इस साइड पे उसको हम रखेंगे और जो आपका कट ऑफ वैल्यू से हायर ग्रुप है उसको हम इस साइड पे रखेंगे तो इसका जो जो होता है नल हाइपोसिस वो ये होता है कि देर इज़ नो डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ द कट ऑफ इन दी स्कोर्स ऑफ़ द पीपल तो कट ऑफ की बेसिस पे यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है कोई डिफरेंस नहीं है और इसका अल्टरनेट हाइपोसिस की अगर हम बात करें तो वो ये होगा कि देर इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द कट ऑफ वैल्यू यानी अगर आपकी आ, पहले आ, स्कोर यहाँ पे था तो कंट्रोल ग्रुप में स्कोर यहाँ पे होगा आ, यानि दोज हु आर पुअर उनका ट्रस्ट इन गवर्नमेंट क्या है वो यहाँ पे है और जो उनका थोड़ा सा और जो आ, आ, पूर नहीं है उनका ट्रस्ट ऑफ द गवर्नमेंट यहाँ पे तो ये जो डिफरेंस है इसको हम डिसकटीन्यूटी कहते हैं जो कि ट्रीटमेंट की वजह से आ, आ सकता है आ, इस डिज़ाइन में